व्यूअर्स, वेलकम टू गीताज किचन। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं हल्दी वाले नमकीन चावल, जो कि खाने में बेहद स्वादिष्ट होते हैं। और अगर आपको कभी किसी भी चीज़ का खाने का मन ना हो, तो आप जो हल्दी वाले नमकीन चावल बनाइए और उसे दही के साथ खाइए। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और साथ में जो बेल आइकन है, उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं, आपके पास जो नोटिफिकेशन है, सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप जो है बासमती राइस लिए हैं, बढ़िया वाले। और यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज, जिन्हें मैंने लंबा लंबा काट लिया है। आप चाहें तो बारीक भी काट सकते हो, लेकिन लंबे जो हैं देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने लंबे लंबे काटे हैं इस तरीके से। और इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच नमक या फिर स्वाद के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गैस ऑन करके मैंने यहाँ पे कुकर को रखा हुआ है। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच शुद्ध देसी घी, या फिर आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो। तो घी पिघलने पे हम इसमें डालेंगे दूसरे मसाले, जीरा। घी थोड़ा गर्म हो ले और उसमें फिर हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, जो मोटा जीरा है, साबुत जीरा। घी गर्म हो गया और हम जीरा डाल देते हैं इसमें, और गैस को हम कम कर देते हैं और जीरे को चटकने देते हैं। जीरे जो है अच्छे से चटक गए हैं और इसमें हम डालेंगे अब प्याज। जीरा जो है हल्दी वाले चावल में बहुत ही अच्छा स्वाद देता है और बेहद स्वादिष्ट लगता है। दो मिनट इसे लाइट ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। तो देखिए, जो हमारे प्याज हैं वो हल्के हल्के से लाइट ब्राउन हो गए हैं, ज़्यादा नहीं भूनना हमें इसे, ये थोड़ा कच्चेपन में ही रहे तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। 1-2 सेकंड और हिला लेते हैं इसे। और इसमें हम डालेंगे अब 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी जो है चावल के हिसाब से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन लाइट ही रहे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। गैस को मैंने कम कर दिया है, थोड़ी सी हल्दी और डाल देते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कम रखे हैं हल्दी, तो थोड़ा सा मैं इसमें और डाल देती हूँ हल्दी। और 1/4 चम्मच मैं डालूँगी इसमें लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक छोटे वाला। इसे अच्छे से हिला देंगे। तो देखिए कितना अच्छा जो रंग आया है। आप चाहें तो इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हो, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो। और इसे करीबन 5-4 सेकंड आप हिलाने के बाद, जैसे ही हल्दी रंग छोड़े, इसमें हम डाल देंगे चावल जो हमने भिगो रखे हैं। और इसे 2 मिनट अच्छे से धीरे धीरे मिक्स करेंगे, क्योंकि जो चावल हैं वो भीगे हुए हैं, टूटे ना, तो इसे धीरे धीरे हम हिला देंगे, ताकि जो चावल हैं हल्के हल्के से जो है फ्राई हो जाए और उन पे हल्दी का रंग भी अच्छे से आ जाए। तो चम्मच हम अब दूसरा ले लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे राइस स्पून ले लिया है, ताकि चावल जो हिलाते वक्त टूटे ना, और हमें इसे ऐसे धीरे धीरे सीधा करते हुए हिलाना है। और हल्दी देखिए कितना अच्छा चावल पे रंग आ गया है। और गैस हम यहाँ पे अब कर देंगे मीडियम, और इसमें हम डालेंगे पानी। और
और डेढ़ जो है कप हमारा यहाँ पे चावल है और डेढ़ कप ही हम यहाँ पे पानी डालेंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और भी डाल सकते हो, 3-4 चम्मच आप और भी डाल सकते हो। इसे अच्छे से धीरे धीरे हिला देंगे। पानी जो है इतना होना चाहिए कि जो चावल है अच्छे से डूबे हुए दिखे, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिखने नहीं चाहिए क्योंकि ये मैंने भिगोए हुए हैं तो ये जल्दी गल जाएंगे। इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना। अब हम जो है कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे पकने देते हैं थोड़ी देर। और फ्लेम मैंने कर दी है मीडियम। तो चावल जो है हमने पकने के लिए गैस पे रख दिए हैं और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है, तो टोटल जो पानी है हमें डालना है 1 कप और जो है 3/4 जो कप है और अगर आप थोड़े से ज़्यादा आप गलाना चाहते हैं तो आप 2 कप भी पानी डाल सकते हो, यानी कि 1 कप चावल है तो 2 कप आप पानी डाल के ईजीली बना सकते हो। तो इसे 2 विसल आने तक हम पकाएंगे। गैस को मैंने तेज कर दिया है तो थोड़ा रुकते हैं। जैसे ही 1 विसल आई तो मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। तो 2री विसल आ चुकी है और गैस मैंने यहाँ पे बंद कर दी है और अब हम जो है कुकर को ठंडा होने के लिए कुछ देर रख देते हैं। तो देखिए कुकर हमारा जो है ठंडा हो गया है, हल्की सी इसमें विसल की आवाज आ रही है, तो हल्का सा हम इसको कड़छी से प्रेस करते हैं, इसकी थोड़ी सी हवा निकाल देते हैं और खोल देते हैं इसे और देखते हैं चावल हमारे पक गए हैं कि नहीं। देखिए चावल तो हमारे बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही लंबे लंबे चावल बन के तैयार हो गए हैं और इसे हम धीरे धीरे हिलाएंगे। अब हिला के देखते हैं तो चावल तो हमारे बहुत ही अच्छे बने हैं और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अच्छे से इसे धीरे धीरे हम प्रेस कर, जो ज़्यादा नहीं करना, इसे ऐसे धीरे धीरे सीधा उठाते हुए हम इसे हिलाएंगे ताकि जो चावल है हमारे टूटे ना और ऐसे ही लंबे खिले खिले बने। दोस्तों चावल हमारे बन के तैयार हैं और अब हम लास्ट में क्या करेंगे, अब चावल तो बनके तैयार है, इसे 2 मिनट के लिए यानी कि हार्डली आप 1 मिनट तक इसका ढक्कन लगा के एक बार फिर से हम रख देते हैं। वैसे ही बिना गैस जलाए कुकर को बंद कर देंगे, ये और भी बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। 2 मिनट के बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ढक्कन खोल के देखते हैं, अब 2 मिनट हो चुके हैं। बाद में हमने इसलिए ढक्कन बंद किया क्योंकि इसमें हल्की हल्की स्टीम होती है और जो चावल हैं वो और भी सॉफ्ट और खड़े खड़े और खिले खिले रहते हैं। तो चलिए अब हम इसे बाउल में या फिर प्लेट में ट्रांसफर करते हैं। इसे ज़रूर बनाइए, ये बेहद स्वादिष्ट और मज़ेदार होते हैं और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो पिकनिक पे या घूमने, आप इसे बना के लेके जा सकते हो। ये बाहर जो है जब आप बाहर घूमने जाते हो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। दोस्तों चावल जो है हमारे बन के तैयार है और इसे हम थोड़े से धनिया पत्ता के साथ गार्निश कर लेते हैं। मजेदार स्वादिष्ट और खुशबूदार चावल बनके तैयार हुए हैं। आप इसे दही के साथ खा सकते हो, आप इसे बिना दही या बिना दाल के भी अगर आप खाएंगे तो ये बहुत ही मजेदार लगते हैं और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं। आप उनके फ्रेंड्स हल्दी वाले प्याज वाले नमकीन चावल बनके तैयार हैं, ये खाने में बेहद स्वादिष्ट होते हैं। आप इसे टिफिन में भी डाल सकते हो और कहीं घूमने जा रहे हो तो आप इसे हॉट केस में डाल के लेके जा सकते हो। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, आप इसे दाल के साथ, दही के साथ, किसी भी चीज़ के साथ भी आप खाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।